हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो भी मैं यहीं पर शूट कर रही हूँ एंड देन उन्हीं कपड़ों में कर रही हूँ, क्योंकि एक दिन में मैंने दो कर ली थी। वैसे भी बैठे बैठे था वो वीडियो जो आपने कल मीशो वाला देखा, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना बी ब्लेंड का भी मेरे पास शैम्पू अभी रिसीव हुआ है मुझे, तो इसका भी रिव्यू कर दूँ, ठीक है। तो इसे मैं यूज़ कर रही हूँ, एक डेढ़ महीना हो गया मुझे इसे यूज़ करते हुए। तो जो मैंने दो पैकेजिंग ये ऑर्डर की थी, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी, ठीक है। तो चलिए बिना कोई देरी के इसके सारे रिव्यूज़ भी बताती हूँ आपको, पैसे भी बताती हूँ, इसकी साइट का प्राइस भी बताती हूँ एंड देन फ्लिपकार्ट की साइट का प्राइस भी बताती हूँ आपको, ठीक है। तो आपको जिससे सस्ता लगेगा उससे ऑर्डर करना, मेरा काम है आपको बताना और आपका काम है अगर आप यूज़ करते हो तो उसे वहाँ से बाय करना, ठीक है। तो चलिए बिना कोई देरी के फटाफट से इसकी पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की नहीं थी और ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो चलिए इससे पहले फटाफट से ओपन करते हैं। तो उसके लिए आज मैंने बहुत ही बड़ा सीजर रखा है, क्योंकि हर बार ना मुझे ढूंढना पड़ता है, पर जैसे ही वीडियो के मैं शुरू करती हूँ तब मुझे याद आता है अरे यार सीजर भी तो चाहिए था मुझे, तो वही मैंने आज वो काम बिल्कुल नहीं किया है। तो इसकी पैकेजिंग बिल्कुल ऐसी आई है कुछ ग्रीन से बॉक्स में, अरे खुल जा, इतनी मोटी इतनी बड़ी सीजर लाने के बाद भी इसका हाल ही है, ठीक है। तो मुझे इसलिए मैंने सोचा आज पहले अपना सारा सामान ताम तिपड़ा रखूँगी, ताकि मुझे बार बार बीच में उठना ना पड़े, ठीक है। तो वही मैंने आज किया। हे भगवान खुल जा सिम सिम, हे भगवान, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे बी ब्लेंड की साइट से ऑर्डर किया, ठीक है। और तब मुझे लगता है कि हमेशा जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो उसी की खुद की साइड से लोगों को ज़्यादा आपको बेनिफिट होता है। बाकायदा हम इधर उधर से ले जाते हैं ना कभी, तो वो उससे हमें ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं होता, और फिर अगर हम कंप्लेन वगैरह करते हैं तो वो कुछ उसमें करते भी नहीं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी पैकेजिंग मुझे रिसीव हुआ, तो ये इसके अंदर का कबाड़ तो मुझे रिसीव हुआ एंड देन टन टन, ये दो मेरे सुनहरे प्यारे बॉटल्स मुझे यहाँ प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ऑलरेडी मेरे पास टू बॉटल्स ऑलरेडी थी, मतलब बहुत कम है इसमें कि एक दो दिन एक बार दो बारी के लिए यूज़ करने के लिए, एंड देन अब मैंने ये दो बॉटल्स और मंगाई है, ठीक है। तो चलिए अब बताते हैं इसके बारे में, और पहले बताती हूँ मैं आपका इसका फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्राइस, ठीक है। आप प्राइस सुन के बहुत ज़्यादा शॉक होने वाले हैं। तो मैंने इसे जब मैंने फर्स्ट मंथ मैंने इसे यूज़ किया इस बी ब्लेंड शैम्पू को, तो ये मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, मतलब मेरी देवरानी ने खुद मुझे सजेस्ट किया था कि आपके बाल अगर हेयर फॉल हो रहा है तो आप इसे ही ट्राई कीजिए, क्योंकि वो उसे काफ़ी टाइम से लगा रही है, मतलब उसे तो हो गए 7-8 महीने यूज़ करते हुए, उसे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसके कर्ली हेयर है इसमें। हाँ, आपको इसमें दो चीज़ें बता दूँ मैं आपको, जो बी ब्लेंड का शैम्पू है, ठीक है, कंडीशनर, इसमें दो चीज़ें आती है, स्ट्रेट बालों वालों के लिए अलग आता है एंड देन कर्ली बालों वालों के लिए अलग आता है, ठीक है। तो वो आप इसका जब भी आप लेते हो तो वो आप इसका पूरा डिटेल्स पढ़ लेना। तो मैं बता दूँ, तो मैंने उसने मुझे बोला कि हाँ आप लगा लो इसे और बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इसे बाय करने के लिए फ्लिपकार्ट ओपन किया, स्क्रॉलिंग करते करते मुझे ये दो डब्बे दिखे, तो ये मुझे तब पड़े थे 640, मतलब 650 रुपये के ये दो डब्बे, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार ये थोड़ा कॉस्टली है, तो मैंने सोचा था इस महीने में ना चेंज कर दूँगी, 650 रुपये इन दोनों डब्बों पर वेस्ट है, ठीक है। तो मैंने स्किप करने वाली थी कि मुझे जस्ट परसों अपनी देवरानी का पार्सल रिसीव हुआ, तो उसमें उसने जब पेमेंट करी तो 400 रुपये की थी, ठीक है। तो मैं हैरान, मैं कहा जब मैंने लिया था तो मैंने तो 650 रुपये का लिया था और तुमने 400 रुपये का कैसे लिया। तो उसने बोला कि जैसे इंस्टाग्राम पे ऑफ़र आते हैं तो वैसे ही मेरे उसमें ऑफ़र आया था, तो मैंने उसमें 400 रुपये का ऑर्डर कर दिया। देन मैंने उसे फटाफट से ऑफ़र का वो मांगा, और उसके बाद मेरा ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पहले ही बता दूँ जो मैंने यूज़ किया उसके बाद मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने जब इसमें फर्स्ट टाइम मैंने ऑफ़र लगाया, उसके बाद मुझे पता कितने का पड़े, 380 रुपीज़ के, 220 रुपये उससे भी कम पड़े मुझे। सबसे ज़्यादा खुशी तो 380 रुपीज़ में दोनों मुझे मिलेंगे, शैम्पू भी मिले मुझे, शैम्पू भी और कंडीशनर भी, मुझे बहुत बढ़िया लगा। और वैसे भी ये मुझे 1.5-2 महीने यूज़ होता है, ये दो बॉटल्स आपके पूरे 2 महीने चलती हैं, ठीक है। मेरे को 1.5 महीना होने वाला है इन दोनों को यूज़ करते हुए, अभी भी इसमें काफ़ी है कि मतलब चल सकता है मेरे 4-5 बारी सर धोने में, ठीक है। वैसे भी हफ्ते में हम अगर हमारे लॉन्ग हेयर हैं तो 2 बार धोते हैं, शॉर्ट हेयर है तो 3 बार धो लेंगे, बहुत सब इतने इससे ज़्यादा तो नहीं धोएंगे ना। तो वही है कि 1.5-2 महीने आपकी ये आराम से ईजिली चल जाएगा, तो मेरे को बेस्ट है। और उसके बाद अब आते हैं इसकी
बालों के बारे में, ठीक है, कि बालों को ये कैसे वो कर रहा है। तो भाई मेरे बालों को तो अभी तक इसने डैमेज तो नहीं किया, पर जो मेरे टूटे हुए बाल थे उन्हें थोड़ा थोड़ा शायद ये रिपेयर कर रहा है अभी मेरे बालों के लिए, ठीक है। और अभी मैं बताता, मैंने कल शर्ट धोया था, उसके बाद आज, आज तो नहीं धोया क्योंकि मैं हफ्ते में, जैसे मेरे हो गया मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, 3 दिन मैं सर धोती हूँ, और उसके बाद ये देखूँगा, ठीक है, मेरे बालों के लिए। तो मुझे ये बहुत ही, अगर आपको बता दूँ कि कैसा लगा, तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, एकदम झकास, और प्राइस के हिसाब से भी एकदम मस्त है। अगर हम कोई भी और भी शैम्पू लेते हैं तो वो भी इतने का ही आता है, 200-250 का वो शैम्पू भी आता है, देन कंडीशनर, या फिर हम कोई मास्क लेना चाहते हैं वो अलग से आता है। तो मुझे ये बहुत ही प्यारा लगा, तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगले महीने का भी जुगाड़, 2 महीने का जुगाड़ कर लेती हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने 2 महीने का जुगाड़ और एक्स्ट्रा कर लिया। हमेशा मैं अपनी जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें एक्स्ट्रा रखती हूँ, कभी भी कम, मेरे को ना बिल्कुल ऐसे घबराहट हो जाती है जब भी कोई भी कम चीज़ें कम होती है, तो मैं हमेशा उन्हें एक चीज़ एक्स्ट्रा रखती हूँ। जैसे मैं अपनी बेटी का भी स्टॉक हमेशा, जैसे साबुन शैम्पू, उसका स्टॉक हमेशा एक्स्ट्रा रखती हूँ, ताकि एट अ टाइम ना भागना पड़े। और जब भी कोई भी चीज़ें सेल में आती हैं, जब भी कुछ भी चीज़ें ऐसी लगती हैं, तो मैं फटाफट से लेती हूँ। भाई इतना अंबानी के खानदान से तो हम भी नहीं हैं, ठीक है। अब कौन सी बात है कि हर कोई चाहता है कि हमें सस्ती चीज़, अच्छी चीज़ सस्ते में मिल जाए, तो वही वाला मेरा भी हाल है। एंड देन आपको बता दूँ ये किस चीज़ के लिए करता है, ठीक है, सलून लाइक हेयर, कि आपकी जैसे सलून में ऐसे हेयर है वैसी होएंगी, कुछ ऐसा हेयर फॉल है ये, ठीक है। हेयर फॉल के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। शैम्पू की बता दूँ आपको, शैम्पू हेयर फॉल कंट्रोलर है, ठीक है, एंड रिड्यूस हेयर फॉल, आपका जो हेयर फॉल होगा उसे कम करेगा 93%, अच्छा रिड्यूस करेगा हेयर फॉल को। अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो उसमें से आपको 93% कम लगेगा कि कम हो रहा है, बस थोड़ा सा एक आधा तो झड़ते ही रहते हैं, वो तो कोई वो नहीं है, ठीक है। एंड देन ये है 300 ml, आपको बता दूँ शैम्पू आपको मिलेगा 300 ml, एंड जो कंडीशनर है वो मिलेगा आपको 250 ग्राम, ये 300 ml और ये 250 ग्राम, ठीक है। एंड देन जो भी आपको डिटेल्स उसकी चाहिए होती है वो सब कुछ तो उसमें लिखा ही होता है। आप किसी भी, मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं इसका प्राइस इसमें देखूँ, तो इसका प्राइस में 400 रुपये एक पर बॉटल का है, 400 रुपये, 400 आपको, 399 आपको इसका दिख रहा होगा, ठीक है, 399 एक बॉटल एंड 399 एक बॉटल, वैसे हमको पड़ी है 800 रुपये की, ठीक है। बट वैसे इसको सेल में लें तो ये ठीक हमें आधी रेट में मिलेगी 50% ऑफ में, और मुझे ये 380 की मिली, तो मेरे को तो बहुत ही मज़ा ही आ गया, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया था मेरा, तो इसे लेते टाइम, ठीक है। और अगर आप 24 महीने की इसकी वैलिडिटी है, 24 मंथ तक आप इसे यूज़ कर सकते हो, जब भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है उससे 24 महीने तक, ठीक है। एंड देन मैं आपको बता दूँ, आप जब अगर इसे यूज़ करते हो, ठीक है, बी ब्लेंड शैम्पू यूज़ करते हो, तो आपके लिए बता दूँ कि कभी भी फ्लिपकार्ट या अमेजोन ने उससे मत लीजिए, इसके खुद की साइट से लीजिए, ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके, उसमें कूपन्स का भी आता है, तो क्या आपको बस तो बेटर डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। तो मैं अगर आपको बिल दिखाऊँ तो आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसी गप्पे हाँक रही हूँ, लेकिन नहीं, ये देखो इसका बिल, थ्री यहाँ पे लिखा हुआ है 379 रुपीज़, ठीक है। मैं आपको ऐसा वो नहीं करेगी, हाँ मुझे 380 रुपये का पड़ा, 379। अभी मैंने इसके बॉक्स में से निकाला है इसका बिल, तो आपको आईडी हो गया होगा, तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट की थी, तो उसके हिसाब से बढ़िया मज़ा लगा मुझे। और आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। क्या आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। चलो एक बार ट्राई कर सकते हो आप इस शैम्पू को, ठीक है, लिटरली कि आप मज़ा ही आएगा आपको, दोबारा आपको किसी भी आपको सीरम वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाकायदा किसी के बहुत ज़्यादा फ्रीजी हेयर है वो तो खैर थोड़ा बहुत तो लगाएंगे, और थोड़ा बहुत बालों को अपने रिपेयर होने में टाइम भी लगेगा, तो उसके हिसाब से बहुत बेस्ट है। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो या ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का, राधे राधे, जय माता दी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे आपको पता है क्या करना है, आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, चलिए बाय।